भारतीय रेल यानी विश्व की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था। ये केवल एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो सन 1853 से शुरू होकर साल दर साल नित नए सोपान को प्राप्त करता हुआ आज तक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है एवं यात्रियों की सेवा तथा माल का लदान सकुशलता से कर रहा है। इस कार्य को सार्थक बनाने में सबसे बड़ा और अमूल्य योगदान है हमारे लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट का। पायलट यानी लोको की जान, इसके बिना लोको की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, 2400 घंटे 365 दिन सतत गाड़ियों के सुरक्षित परिचालन में इनका प्रमुख योगदान रहा है। लोको पायलट को अपने कार्य निष्पादन के दौरान आने वाले किसी भी विषम परिस्थिति का मुकाबला पूर्ण एकाग्रता, तत्परता एवं शीघ्रता से करना पड़ता है। इन ट्रेनिंग फिल्मों का उद्देश्य स्पैड के मामलों के प्रति रनिंग स्टाफ को जागरूक करना है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए अब हम आपको इन आठों स्पैड की घटनाओं को मंचन करके दिखाते हैं और उन परिस्थितियों से अवगत कराते हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं हो सकती है। मास्टर स्टार्टर दे दिया, मास्टर चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे हाँ यार, स्टार्टर दे दिया, चलो चलते हैं। चलो, अरे कितने टाइम हो गए छोटू? 3:30 बज गया मास्टर। अरे बाप रे, 1.5 घंटा रोक दिया यहाँ पे, लगता है रायगढ़ पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी यार। चलो चलते हैं, ठीक। चलो चलो, सिग्नल नहीं मिला था आईबी, आप आईबी पार करके आ गए। ठीक है, डिस्टेंट आ गए, आइए 2 नंबर लेता हूँ आपको। राटनगंज के गार्ड साहब बात कीजिए, ये 2 नंबर में ले रहे हैं शक्ति में। क्या हो गया मास्टर, क्यों रोक दिए थे यहाँ? अरे आईबी देखा नहीं पाए, पार हो गए भैया। अरे गड़बड़ हो गए मास्टर, ये 2 नंबर ले थे, चल उनसे देखो। मास्टर 12 है मास्टर, ये स्टार्टर मिला मास्टर। अच्छा हाँ, स्टार्टर दिया, ठीक है, ये मुंह धो लेते हैं और ना वो चाबी दे रिवर्सल, ना स्टार्ट करो गाड़ी, जल्दी मुंह धो ले। चल तो मास्टर आपको भी शुगर है, आप भी कुछ बिस्किट विस्किट खा लो। हाँ हाँ, मैं ले लेता हूँ, मैं मुंह धो लेता हूँ। ठीक ठीक, मुंह धो, गाड़ी से बात करूँगा उसके बाद ही स्टार्ट करना मास्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात कर लेते हैं, मुंह धो। चलिए मैं गाड़ी बिस्किट वगैरह खा लेता हूँ। चलो बात कीजिए। हाँ बोलिए मास्टर, बोलिए। स्टार्टर मिला भैया, स्टार्ट कराओ का? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी पहुँचा दे भैया रायगढ़। ठीक है, देखिए सिग्नल एक्सचेंज करेंगे तभी स्टार्ट होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नल स्टार्ट करो। हाँ राइट राइट, चलिए मास्टर चलिए चलिए मास्टर, चलिए। खा लिया मास्टर? हाँ हाँ ले लिया हूँ, चिंता मत कर। चलिए खड़े खड़े चला रहा हूँ, निश्चिंत रह। आई बी डिस्टेंट डबल येलो। हाँ राइट, डबल येलो।
आईबी इनर डिस्टेंट वन येलो राइट वन येलो वन येलो मास्टर आईबी डेंजर है राइट आईबी डेंजर है कंट्रोल करिए राइट कंट्रोल कर रहा हूँ राइट राइट आईबी डेंजर ठीक राइट आईबी डेंजर आपका 23 बजे का ट्यूब हुआ है। अरे 23 बजे ट्यूब
थे भाई ना साइन हो गया हां 23 बजे क्यों हो गया भैया ले या छोटू कैसे करेंगे आधा घंटा आराम करता है आधा घंटा बस आराम करने के लिए दोस्त गाड़ी ले जाना पड़ेगा ठीक है सर आराम कर लेते हैं आधा घंटे में क्या होगा मेरे भाई मास्टर इसका वीसीटी आइसोलेट है मास्टर अरे ठीक है ना क्या क्या करें जीएससी को बता दे अगर बता देंगे तो क्या के बना देगा क्या एंगल बुकिंग है ना ठीक है ना तो सब चलता है कुछ नहीं होता चलो चल से मास्टर इसमें लॉग बुक में लिखा है वीसीटी आइसोलेट है बता दो क्या टीएलसी को अरे वीसीटी आइसोलेट है क्या हाँ मास्टर हाँ बिल्कुल बता दे हाँ मैं भी स्टेशन मास्टर को बता देता हूँ या अगर मेंटेनेंस स्टाफ होगा तो आके वो ठीक करेगा हाँ बता दे टीएलसी बता दे हाँ ठीक है बता कब से बुकिंग है देख लिया उसको पूरा डेट सही से रिपीट कर हाँ ठीक है ठीक है हाँ सर ये टीएलसी ऑफिस से बोल रहे हैं ना मैं ये लोको नंबर काम करते हैं पहले अपन एक बार चेक कर लेते हैं या तो उसके स्विच को दो तीन बार अपग्रेड कर दिया ना ठीक है और मैं देखता हूँ बन गया तो ठीक स्पैड हो गया यही मिडिल लाइन के चक्कर में इसी सिग्नल के मास्टर हां ओ
तो एलआई बोला था भैया, बोलो तो मैं रिलीफ मांग लूं या एलआर मांग लूं। अरे नहीं मास्टर, टेंशन लेने की नहीं, मेरे को सब मालूम है, सब मालूम है, सिग्नल जानता हूं मैं। चले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करिए। ये कौन सा सिग्नल है यार, ये अपना है क्या? नहीं मास्टर, ये अपना नहीं है, ये तो बाजू वाले लाइन का होगा, राइट साइड में है, इधर सिग्नल लेफ्ट साइड में है। पक्का? बिल्कुल। अरे तो वो वाली लाइन तो अप लाइन है, डाउन लाइन है यार, उसका सिग्नल इधर कैसे आएगा? पक्का? पक्का मास्टर, मैं तो कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। खड़ा करके पूछ लेते हैं। नहीं, जरूरत नहीं मास्टर, चले। हाँ ये पक्का अपना अपना सिग्नल नहीं है ये। तो स्पीड पिकअप कर लूँ? हाँ कर लीजिए। अच्छा चलो फिर। अरे ये कौन लाल दिखा रहा है? अरे लाल दिखा रहा है भाई ये। हाँ मास्टर लाल दिखा रहा है मास्टर। अरे खड़ा करो यार, खड़ा करो, खड़ा करो। क्या मालूम है बालू में करके मरवा दिया यार मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, अब मैं क्या करूंगा, नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो काम किया हूँ मास्टर, ये तो पूरा सिग्नल लेफ्ट साइड में था। पूरा सिग्नल लेफ्ट साइड में था? मैं ज्यादा दिन नहीं, एक डेढ़ साल पहले मैं इस लाइन पे गया हूँ मैं। हाँ बोलिए लटिया के बड़े बाबू, बोलिए क्या? हम लोग सिग्नल पार कर दिए। अरे ये तो राइट साइड सिग्नल था ना, वो तो दूसरे लाइन का। क्या दिसंबर में इधर लगा दिए? हमको तो नहीं मालूम। वही तो, तभी तो मैं मालूम बोल रहा हूँ मास्टर, मेरे को तो कई बार इस लाइन से गया हूँ कोचिंग ट्रेन तो। अरे तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम बोलना चाहिए ना यार, मजाक बना के रखे हो तुम लोग सब। लेकिन लास्ट बार तो लाल है मास्टर। अरे ठीक से देख, ग्रीन है यार।
नहीं नहीं मास्टर, वो लाल वाला अपना है, वो ग्रीन तो हाँ ग्रीन भी दिया है लेकिन वो ग्रीन अपना नहीं है मास्टर। अरे बोला जेठा प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ बाइक वाइक खड़े नहीं थे तो नहीं मालूम, वो बाइक के लाइट है बहुत सीधा दिखा थे एकदम हरा। अरे वो गेट हर हरा है मास्टर, लाल सिग्नल हमें आई बी लाल है। अरे तो बगैर आई बी का गेट हरा हो जाएगा, ऐसे नहीं है यार पूरा हरा है दिखा। अरे मास्टर ये लाल मास्टर, अरे लाल पार कर दिए मास्टर आप, मैं चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ आई बी लाल है आप एकदम लापरवाही चला रहे हैं उसको, लाल को पार कर दिए। अरे वो खराब हो गया होगा यार, ऐसा नहीं है सिग्नल ना थोड़ी देर के लिए उठ जाता है वो गेट में ना, गेट वाले से नीचे से गुजरते हैं ना वो लोग उठाते हैं तो सिग्नल उठ जाता है। वो ये देख मेरे गेट में हरा गेट दिया हुआ है मास्टर, लेकिन अभी लाल था, लाल पार कर गए नहीं मास्टर। तू और एकदम पीछे पड़ा है यहाँ पे पूरा मेरे पीछे पड़े, तू और बात करके बात को फैलाएगा, चल चलते हैं। देख गेट में तो हरा दिखा रहे ना, अगर गेट में हरा दिखा रहा मास्टर लेकिन अभी लाल पार करके आ गए। अरे गेट वाला लाल दिखाता अगर हम सिग्नल पार करते तो, चल चलते हैं, चल धीरे धीरे चलेंगे, जहाँ पे सीधा लाइन है सीधा सीधा चलेंगे, जहाँ पे कर्वेचर है अपन रोक देंगे। ठीक है ठीक है मास्टर, अल्लाह नहीं होगा तो ठीक रहेगा, गार्ड से बात कर लेता हूँ। अरे तू आवाज एकदम पूरा दुनिया को चिल्ला चिल्ला बता दे, बैठ चुपचाप तेरे कुछ नहीं मालूम, कल का आया लड़का मेरे सीधा आ रहा है। चल हाँ गुडवाना का मास्टर, हाँ बोलिए गुणवाना का मास्टर बोल रहा हूँ, बोलिए मास्टर आप वो सिग्नल ओवरशूट करके आ गए मास्टर। अरे कौन बोलता है सिग्नल ओवरशूट करके आ गया, कहाँ मेरे को तो गेट भी हरा मिला था, सब हरा मिला था। खड़ा करो, खड़ा कर, खड़ा करो। ठीक है मास्टर, ठीक है खड़ा करिए, देता हूँ मैं लाइन नंबर दो में, आइए। पूरा हल्ला हो गया मास्टर, कहाँ लगे हो आप, दब जाएगा बोल रहे हो, कहाँ दबने वाला केस, पूरा हल्ला हो गया, नौकरी लगा है नौकरी चले गया। एसएम से बात करता हूँ मैं जाके, रुक जा पहुँच के एसएम से बात करता हूँ। चल चलते हैं, मिल गया सिग्नल, चल जाते हैं यार, थोड़ा मेमो वेमो लिख लेते हैं बढ़िया से, उस स्टेशन में देते हैं, मैं बात करता हूँ, बात दबाने की कोशिश करते हैं। मास्टर डाला पारा होम सिग्नल वन येलो, राइट राइट वन येलो। अरे सिग्नल मिल गया, ग्रीन हो गया। अरे नहीं मास्टर, मेरे को तो लगता है वो मालगाड़ी को दिया लग रहा है। अरे दुरंतों को छोड़ के मालगाड़ी को सिग्नल देगा, दिमाग खराब है। अरे अरे एक रन लेके जाता तुरंतों को, मिल गया अपना ही ग्रीन है। नहीं मास्टर बोल लग रहा है वो डेंजर है अपना मास्टर। अरे लाल अपना, अरे लाल अपना ये, अरे ये तो अपना ही लाल था। क्या मास्टर आपको मैं बोल रहा था हमारा सिग्नल नहीं है, आप सुनते नहीं। अरे सही में यार तुरंतों छोड़ के मालगाड़ी सिग्नल दे सकता है, अरे तो पार हो गया। हाँ मास्टर दादा पारा होम सिग्नल वन येलो, राइट वन येलो, राइट राइट वन येलो। लगता है अपना सिग्नल मिल गया मास्टर, ग्रीन दिख रहा है। ठीक से बोलो, सिग्नल पूरा फिजिकली इंश्योर होने के बाद ही बोलना है, ऐसे संदेह में बात नहीं करते। ठीक है अभी कर्वेचर देखो, बाजू वाली गाड़ी से, बाजू वाली लाइन से मालगाड़ी पार हो रही है, उसका सिग्नल है, ठीक है अपना डेंजर सिग्नल है। ठीक है येलो पार होने के बाद पूरा अगला सिग्नल पहुंचते तक रेड एस्पेक्ट ही मानना है। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर। लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट को समय पर साइन ऑन करना चाहिए, साइन ऑन करते वक्त सारे निर्देशों को भली भांति पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इसी प्रकार जब भी हमें कॉशन ऑर्डर मिलता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो उसे भी ऑन ड्यूटी TFR के द्वारा हमें दूर करना चाहिए। TFR ऐसे किसी परिस्थिति में स्टेशन मास्टर से संपर्क करके हमारी शंका को दूर करेगा। LP ALP का इंतजार चार्ज लेने के स्थान पर पूर्व में पहुँच कर रहा है, मगर ये देखिए ALP अपने समय से देर से आने के कारण सारे सर्कुलर को हड़बड़ी में देखी अनदेखी कर रहा है, उसे बिना पढ़े बिना समझे साइन कर रहा है और दौड़ दौड़ कर अपने चार्ज लेने के स्थान पर पहुँचता है। यदि किसी भी प्रकार की शंका हो तो ऑन ड्यूटी TFR या लॉबी में बैठे CLI से अपनी शंका को दूर करानी चाहिए। लिखा है कि सिग्नल को जोर से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, स्टेशन का नाम लेके बोलना है,
करोगे नहीं मेरे को वो कराओ क्या बोलते घुमाने ले जाओ चॉकलेट लेने जाओ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना।
तो जब पापा का रेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेके जाओ। भाभी जी आपको तो मालूम है आपके हस्बैंड रेलवे में लोको पायलट हैं, तो उनके काम के नेचर के बारे में कुछ मालूम है? देखिए वो क्या है ना, बहुत ही तनाव और बहुत थकान वाला ड्यूटी है। वो जो काम करते हैं रेलवे के फर्स्ट मैंने लीडिंग पर्सन की तरह काम करते हैं, मैंने उनको इतना जिम्मेदारी है कि रेल को सुरक्षित परिचालन करने का, तो सारा जवाबदारी उन्हीं के ऊपर आता है पूरे ट्रेन का। तो मैं ये कोशिश आपको करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उनकी नौकरी में जो दिक्कतें हैं उनको आप थोड़ा समझिए, क्योंकि एक छोटा सा गलती अगर हुआ इस पैड का या किसी भी चीज़ का तो वो नौकरी से जा सकता है। नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, वो चीज़ समझते हैं हम लोग भी, इसलिए हम ही लोग को ज़्यादा परेशानी है, मालूम कुछ होगा तो ज़्यादा परेशानी तो हम ही लोग को। इसीलिए जैसे क्या है ना, वो मान लीजिए ड्यूटी से निकल गया ड्यूटी के लिए और घर में बच्चे का छोटा मोटा तबियत खराब हो गया, सब्जी भी लेके आना है, तो आप उसको मैनेज करो, और अगर छोटा मोटा कुछ दिक्कत होता है तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। हम लोग मतलब पहले हम लोगों को कॉल करेंगे, हम लोग भी भाई समान है, तो आपके यहाँ आके उस चीज़ को पहले मैनेज कर लेंगे, उसके बाद कवर करेंगे। तो इस तरीके से ही अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।